आइए, क्या हाल चाल है राजी खुशी? सब ठीक होगा? आज अभी क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करा पे, एक्सरसाइज 9.1 का है। आज अभी सर तो पहला शुरू जाए जाना है। राम राम। क्वेश्चन देखो कैसे रखे है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो जरूर देख लियो। क्वेश्चन करने से पहला वीडियो आई बचाना पाएगी होगी घड़िया घड़िया, ठीक है? कि एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों है, यो आकर अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन आई थे और जिस तो देखा करा यहाँ पे ऊपर देखा नीचे देखा लाइन ऑफ साइट और उसके बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। नीचे तक तो देखा है एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है, टावर मान लिया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लग रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है यू, ठीक है? ये अपना एंगल ऑफ एलिवेशन मान लग रहा होता है, ठीक है? विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, के जो पॉइंट ये है ना, इस टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे 30 मीटर दूर है, और एंगल कितने बन लग रहा है, 30 डिग्री का ही एंगल बन लग रहा है। वाह वाह, अरे सही तो लिख रखा होगा मना है, अरे कुछ और लिख दू मैं तू, हाँ सही है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि टावर जो है ना इसकी हाइट निकालनी, बोल भाई के क्वेश्चन है, निकाल जाएंगे, नाम दे दिया ए बी और सी, ठीक है? तो सॉल्यूशन की है अपना, सॉल्यूशन के अंदर की है लेट के, मान लिया लेट ए बी इज हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट के मान लिया अपन है ए बी मान ली एंड बी सी के है डिस्टेंस, ठीक है? सर जितना बहुत ही यार, ए बी मान ली बीसी के है डिस्टेंस है फुट ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट, बहुत बढ़िया। बीसी इज लिख दिया यार, चलो फिर भी बीसी इज डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर एंड अ पॉइंट, के पॉइंट से उसके बीच की डिस्टेंस है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, कौन सी ट्रायंगल है, ए बी और सी, अपन निकालना क्या है, ए बी निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है, देखिए रखा जब भी बी और सी दे रखा है, तो देखो एंगल के सामने क्या बन गया, परपेंडिकुलर, नीचे क्या बन गया, बेस, क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या होता है जी, अपने पंडित जी थे कौन थे, बद्री प्रसाद हर हर भले, तो के बने है पी बाई बी, के बन गया पी बाई बी, यानी टेंजेंट एंगल कितने का, 30 का, ए बी निकालनी है, यो इसकी वैल्यू 30 दे रखी है, इसकी वैल्यू आ गया 1/√3। अब 30 भाग में है, उस साइड जाके गुणा मोद देगा, हो गया हो गया भाई, 30 की एक तक गुणा करें, 30 कम 30 है 31 30, ठीक है? अब देखो आंसर दे भी है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया अपन, दो तीन क्वेश्चन बात है लिया कि नीचे जब भी 3 है जे, तो क्या करना चाहिए अपन ने, इसने 3 तक मल्टीप्लाई कर दी, उस तक कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है? नहीं तो 30 की 3 तक मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, 30√3, √3 की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी, 3, 3 तक कट जाएगा, कितना बचेगा 10 पे, तो ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है? यानी जो हाइट होगी किसकी, ऑफ टावर कितनी आ जाएगी, 10√3 मीटर, ठीक है? ये चीज निकाल दीजिए भाई, बोलो कि एक क्वेश्चन था, आगे नहीं समझना है, जमा आसान सा था, नहीं कुछ भी को नहीं, वह बहुत बढ़िया भाई, तो लो उम्मीद को समझ आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट है नहीं, वीडियो ने दोबारा देख लिए, वीडियो दोबारा नहीं देखनी, कुछ और डाउट है कमेंट कर दिए, ठीक है? नहीं आंसर जरूर मिलेगा, मिलाएंगे आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।